हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवल टेक में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस भर्ती की हम बात करेंगे वो है पीडब्ल्यूडी विभाग में निकली हुई भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, बड़ी भर्ती है और इस भर्ती के लिए आपकी जो आयु सीमा है 18 से 30 वर्ष मांगी गई है और जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो आयु सीमा में छूट है वो अलग आपको दी जाएगी। इस भर्ती की पूरी चर्चा करने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस प्रकार आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा, कितने पदों पर ये बड़ी भर्ती निकाली जा रही है और महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज ही इस वेकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए फटाफट से भर्ती की ओर चलते हैं, बात करते हैं पूरी इस भर्ती की। नोटिफिकेशन पर जाने से पहले हम आपको इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर पूरी भर्ती की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में यह भर्ती निकाली जा रही है, जूनियर इंजीनियर के पदों पर यह भर्ती है। ऑफलाइन इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना होगा, ऑफलाइन ही इसका सिर्फ मोड है, ऑनलाइन आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 18 वर्ष के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, अधिकतम 30 वर्ष आपकी आयु सीमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको आयु सीमा में छूट भी है, जो कि यहां पर एससी एसटी ओबीसी को यहां पर छूट दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका यहां पर टेस्ट होगा, एग्जाम होगी, उसके बाद आप यहां पर आपकी जो है इंटरव्यू होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। और अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा, जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जब से 30 दिन के अंदर ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का दोनों का लिंक मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी जो जानकारी हमने आपको दी है, तो प्लीज ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा ताकि आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।